मित्रों नमस्कार। आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें आपके अनुभव की बात की गई है कि आपका अनुभव बड़ा है किस चीज़ की फीस ली जा रही है। तो आज का टॉपिक है फीस समय की या अनुभव की। एक विशाल जहाज़ का इंजन ख़राब हो गया। लाख कोशिशों के बावजूद कोई इंजीनियर उसे ठीक नहीं कर सका। फिर किसी ने एक मैकेनिकल इंजीनियर का नाम सुझाया जिसे इस तरह के काम का 30 से अधिक वर्षों का अनुभव था। उसे बुलाया गया। इंजीनियर ने वहां पहुंचकर इंजन का ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान से निरीक्षण किया। सब कुछ देखने के बाद इंजीनियर ने अपना बैग उतारा और उसमें से एक छोटा सा हथौड़ा निकाला। फिर उसने इंजन पर एक जगह हथौड़े से धीरे से खटखटाया और कहा कि अब इंजन चालू करके देखें। और सब हैरान रह गए जब इंजन फिर से चालू हो गया। इंजन ठीक करके इंजीनियर चला गया। जहाज़ के मालिक ने जब इंजीनियर से जहाज़ की मरम्मत करने की फीस पूछी तो इंजीनियर ने कहा $20,000। क्या? मालिक चौंका। आपने लगभग कुछ नहीं किया। मेरे आदमियों ने मुझे बताया था कि तुमने एक हथौड़े से इंजन पर सिर्फ थोड़ा सा खटखटाया था। इतने छोटे काम के लिए इतनी फीस? आप हमें एक विस्तृत बिल बनाकर दें। इंजीनियर ने बिल बनाकर दे दिया। उसमें लिखा था हथौड़े से खटखटाया $2। कहाँ और कितना खटखटाना है? $19,998। फिर इंजीनियर ने जहाज़ के मालिक से कहा अगर मैं किसी काम को 30 मिनट में कर देता हूँ तो इसलिए कि मैंने 30 साल यह सीखने में लगा दिए कि उसे 30 मिनट में कैसे किया जाता है। मैंने आपको 30 मिनट नहीं दिए, इतने समय में मेरे 30 वर्षों का अनुभव दिया है। फीस कितना समय लगा? उसकी नहीं, मेरे अनुभव की है। जहाज़ का मालिक बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने खुशी खुशी इंजीनियर को उसकी फीस दे दी। तो किसी की विशेषज्ञता और अनुभव की सराहना करें क्योंकि ये उनके वर्षों के संघर्ष, प्रयोग, मेहनत और आंसुओं का परिणाम है। तो मित्रों अब आपको पता चल गया होगा कि समय की कीमत है या अनुभव की कीमत है। फिलहाल तो वैसे दोनों की कीमत है लेकिन अनुभव की कीमत बहुत ही ज़्यादा है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को शेयर कीजिए और इस कहानी को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर मेरा पेज ये कहानी देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। तो आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए राम नारायण शर्मा को। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।